सो है गाइस, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में इसको डीके में। एंड आज हम जो शेयर के बारे में बात करेंगे वो है सुजलोन एनर्जी लिमिटेड। तो सुजलोन एनर्जी आप लोग देखोगे भी आज हमें कंसोलिडेशन जोन में दिखाई दे रहा है। इसी प्राइस के आसपास जो शेयर है वो हमें अप डाउन करते नजर आ रहे हैं। तो स्टॉक में कुछ खास गिरावट हो रही है ना, स्टॉक में कुछ खास तेजी बन रही है। इस मोमेंटम के ऊपर हमें जो अभी एक डाटा देखने को मिला, जबरदस्त डाटा है म्यूचुअल फंड्स का, वो आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे क्या यहाँ से हमें स्टॉक में अब होल्डिंग बना के चलना चाहिए या फिर एक प्रॉफिट बुकिंग के तौर पर हमें यहाँ से अपना जो पैसा है वो निकाल लेना चाहिए। बहुत सारे निवेशक हैं जिन्होंने नीचे के लेवल से स्टॉक को उठाया और उन्हें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ है, उस प्रॉफिट को बुक करने का टाइम है। ठीक है, बहुत सारे निवेशकों का मानना कि हमने यहाँ से प्रॉफिट निकाल लिया है, अब स्टॉक का वेट करेंगे, ये फिर से जो ना अभी 12-13 के भाव पर आएगा और वहाँ से फिर एंट्री हमारी होगी इसके अंदर, क्योंकि क्वार्टर वन रिजल्ट्स भी अब आने वाले हैं। उसके साथ साथ आप लोग देखोगे आज जो वॉल्यूम स्टॉक में देखने को मिले तकरीबन 6 करोड़ 1 लाख के आसपास वॉल्यूम में देखने को मिले। वॉल्यूम में भी आप लोग देखोगे और दिन से जो हमें डिक्रीज देखने को मिली, वॉल्यूम भी कम लगी है। तो चलिए अभी जानते हैं डिटेल में क्या कुछ डाटा आया है और उसका कितना इफेक्ट हमें स्टॉक के ऊपर आने वाले टाइम में देखने को मिलने वाला है। और चार्ट भी देखेंगे, इसका चार्ट्स के बेस पर डिस्कस करेंगे कि हमें अब होल्डिंग बनानी है या अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर निकलना है, क्या करना है क्या नहीं, अगर एंट्री लें तो क्या स्टॉप लॉस वगैरह लेके चलना है। तो चलो देखते हैं पहले जो खबर आई है वो। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी म्यूचुअल फंड्स का जो डाटा देखने को मिला है आज के दिन जबरदस्त आते हुए नजर आया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भी जून क्वार्टर के जो होल्डिंग हमें देखने को मिली है जबरदस्त, म्यूचुअल फंड्स ने अपना जो स्टेक वो जबरदस्त इंक्रीज किया है। यहाँ पर आप लोग देखोगे बंधन फ्लेक्सी कैप फंड ग्रोथ के द्वारा तकरीबन 0.73% स्टेक यहाँ पर जो ना भी लिया गया है। टोटल जो शेयर इन्होंने खरीदे हैं इस जून क्वार्टर के दौरान यहाँ पर आप लोग देख सकते हो तकरीबन जो है 2,87,39,329। जी हाँ, इतने शेयर इन्होंने खरीदे हैं और इनके द्वारा जो ना भी ज़बरदस्त प्रॉफिट इसके अंदर बनाया गया है। साथ में आप लोग देखोगे भी बंधन एमर्जिंग के द्वारा भी यहाँ पर आप लोग देखोगे प्रीवियस क्वार्टर में कितना स्टेक था, लगभग 70 लाख के करीब था और अब आप लोग देखोगे इन्होंने अपना जो स्टेक है वो इस क्वार्टर के दौरान लगभग 89 लाख के आसपास जो ना भी ऐड किया है। अब जो हो चुका है इनके पास 1,59,00,000 का ज़बरदस्त स्टेक यहाँ पर इन्होंने बना लिया है। साथ में आप लोग देखोगे बंधन बैलेंस्ड के द्वारा भी यहाँ पर तकरीबन 45 लाख क्वान्टिटी जो ना भी ऐड की गई है 100% अब इसी जून क्वार्टर के दौरान। साथ में महिंद्रा के द्वारा भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भी महिंद्रा मनुलाइफ कैप के द्वारा भी तकरीबन जो 100% होल्डिंग यहाँ पर बढ़ाई गई है, 43 लाख के आसपास जो शेयर है वो खरीदे गए हैं। बंधन कोर इक्विटी के द्वारा भी लगभग आप लोग देखोगे प्रीवियस क्वार्टर में आप लोग देखोगे 1,60,00,000 था, अब जो ना 40 लाख और ऐड किया गया है, टोटल हो गया है 2 करोड़। जबरदस्त होल्डिंग इन्होंने भी अपनी बनाई है। और यहाँ पर आप लोग देखोगे बंधन मिड कैप फंड के द्वारा तकरीबन 100% होल्डिंग यहाँ पर की गई है, 36 लाख जो शेयर है वो खरीदे गए हैं और अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए गए हैं। महिंद्रा मनुलाइफ के द्वारा यहाँ पर आप लोग देखोगे तकरीबन 35 लाख क्वान्टिटी और ऐड की गई है। ठीक है, महिंद्रा मनुलाइफ के द्वारा यहाँ पर आप लोग देखोगे तकरीबन 20 लाख के आसपास जो क्वांटिटी है और ऐड की गई है। तो जबरदस्त होल्डिंग म्यूचुअल फंड्स यहाँ पर अपना जो स्टेक है वो हमें जबरदस्त तरीके से इंक्रीज करते नजर आए हैं। ICICI के द्वारा, कोटक के द्वारा बहुत हैवी क्वांटिटी में जो माल है वो खरीदा गया। टोटल अगर बात करें शेयरों के कितने शेयर खरीदे गए हैं तो यहाँ पर आप लोग देखोगे प्रीवियस क्वार्टर के दौरान थे लगभग 3,64,00,000 के आसपास टोटल होल्डिंग थी और अब यहाँ से आप लोग देखोगे इंक्रीज होकर हो चुकी है। इस क्वार्टर के दौरान जो इंक्रीज किया 5,98,00,000 न्यू शेयर खरीदे गए हैं और जो टोटल होल्डिंग की हो चुकी है तकरीबन आप लोग देखोगे 9,60,00,000 क्वांटिटी। जी हाँ, 9,60,00,000 क्वांटिटी इनके जो ना भी टोटल हो चुकी है। तो इतनी ज़बरदस्त बाइंग, इतनी ज़बरदस्त होल्डिंग हमें जो ना म्यूचुअल फंड्स के इंक्रीज होते हुए नजर आई है अब इस क्वार्टर के दौरान। लगभग आप लोग देखोगे 100% प्रीवियस क्वार्टर से 100% प्लस जो होल्डिंग वो इन्होंने अब की बार इंक्रीज की है जून क्वार्टर के दौरान। तो चलिए भाई अब देखते हैं चार्ट इसका। यहाँ से तो ज़बरदस्त डाटा देखने को मिला, म्यूचुअल फंड्स ने दबा कर माल उठाया है, तो अब इसका देख लेते हैं अभी चार्ट। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे स्टॉक में काफ़ी टाइम से एक स्ट्रांगली अप ट्रेंड बना हुआ था, ठीक है, और अभी भी ये बरकरार है, लेकिन आज के दिन आप लोग देखोगे स्टॉक ने इसको जो ना अभी नीचे की तरफ तोड़ा है। यहाँ से आप लोग देखोगे नीचे की तरफ तोड़ा है, तो ऐसे में जो सपोर्ट बना हुआ है 1680 का, आप लोग जो है स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो। करंट प्राइस पर खरीदने के बारे में सोच रहे हो तो भी सही है, ये आप लोग स्टॉप लॉस लेके चलिए। अगर ये स्टॉक नीचे में काटे तो एक अलग बात है, ठीक है, यहाँ से स्टॉक को सेल कर देना,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर इसको काटा नीचे में तो शेयर जोन अभी आपको 15.5 का फिर सपोर्ट इसका देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ से भी कटा तो शेयर जोन अभी फिर आपको 12 के आसपास भी आते हुए नजर आ सकता है। ये हमें जो ना अभी सूर्य ऑन एनर्जी के अंदर काफ़ी टाइम पहले भी देखने को मिला है। स्टॉक में जब जब तेजी बनी है ना तो फिर से स्टॉक उसी लेवल के आसपास आया है, पीछे काफ़ी टाइम पहले भी आपने देखा हो। लेकिन अब जो क्वार्टर वन के दौरान कुछ एक ऐसी ऐसी घटनाएं होती हुई नजर आई है, जैसे कि कंपनी को बड़े बड़े ऑर्डर मिले हैं, साथ में म्यूचुअल फंड्स का जो डाटा देखने को मिला है जबरदस्त रहा है, तो यहाँ से स्टॉक में एक अच्छी रैली आने की संभावनाएं हैं। इसलिए जो शॉर्ट टर्म वाले हैं, ठीक है, स्विंग ट्रेड करने वाले हैं, कोई भी इंट्राडे वाले हैं, 1680 का स्टॉप लॉस लीजिए और स्टॉक में एंट्री एक अच्छी बन रही है। अगर 1845 को स्टॉक ऊपर में काटे तब भी ये इसका रेजिस्टेंस है, ठीक है, 1845 का रेजिस्टेंस। अगर ये भी कट जाता है ना ऊपर में तो एक जबरदस्त बाइंग बनेगी, जबरदस्त ब्रेकआउट माना जाएगा और वहां से आप लोग देखोगे शेयर 22 से 25 तक के लेवल दिखा सकता है। तो इन लेवलों के ऊपर फोकस कीजिए जो मैंने आपको बताए हैं, 1680 का स्टॉप लॉस। करंट लॉर प्रिंट लेना चाहते हो तो ले भी सकते हो, या फिर इसका रेजिस्टेंस टूटने के बाद लो तो भी बेस्ट रहेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि स्टॉक के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आपसे मिस न हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।